हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 15, जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जो एक साइंटिस्ट थे, और इसके मुख्य क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं, आज इसके हम लिखित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बच्चों, ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। आई होप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसके लिखित क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम एक बार इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बच्चों, एडिशन का पूरा नाम बताओ, यानी एडिशन का अब हमें पूरा नाम बताना है। एडिशन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिशन था, यानी एडिशन का पूरा नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिशन। नेक्स्ट है, चिड़िया को उड़ते देखकर एडिशन ने क्या सोचा? चिड़िया को उड़ते देखकर एडिशन ने सोचा कि यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। ठीक है, और यह एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके भी देखा। एडिशन की नौकरानी क्यों बीमार पड़ गई? एडिशन की नौकरानी इसलिए बीमार पड़ गई थी क्योंकि एडिशन ने उन्हें कीड़ों का पानी पीने के लिए दिया था और नौकरानी ने उन पर विश्वास करके वह पानी पी लिया था, क्योंकि उन्होंने देखो उड़ते हुए चिड़िया को देखा था। फिर उनके माइंड में ये आया कि ये चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है, तो उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट यानी इसका प्रयोग करना चाहा। तो उन्होंने क्या काम किया, कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लिया और पानी में मिलाकर इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपनी नौकरानी पे किया। अपनी नौकरानी को देखकर उनको ये कहा कि तुम ये शरबत पी लोगी तो तुम भी चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों, वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एडिशन की शिक्षिका किसके बारे में पढ़ा रही थी, यानी एडिशन की जो टीचर थी वो किसके बारे में पढ़ा रही थी क्लास में? एडिशन की शिक्षिका पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। ओके बच्चों, आप देखते हैं हम इसके लिखित क्वेश्चन आंसर। देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट यानी पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, एडिशन ने शिक्षिका से क्या पूछा? शिक्षिका इन द सेंस टीचर, यानी अध्यापिका। एडिशन ने अपनी अध्यापिका से क्या पूछा? एडिशन ने शिक्षिका से पूछा, मैडम मनुष्य पक्षी जैसे क्यों नहीं उड़ता? यानी उनका क्वेश्चन क्या था कि जो मनुष्य होता है वो पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें एक क्वेश्चन हमने कट कर दिया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद एडिसन ने किसे अपनी शिक्षिका माना और क्यों? यानी जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था तो एडिसन ने किसको अपनी शिक्षिका यानी किसको अपनी टीचर माना और क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था? स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद एडिसन ने अपनी माँ को शिक्षिका माना, यानी अपनी माँ को ही अपना टीचर बना लिया, क्योंकि उनके मन में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा होती तो वह अपनी माँ से पूछते थे और माँ सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। इसीलिए उन्हें जब स्कूल से निकाल दिया गया था तो उन्होंने अपनी माँ को ही अपना टीचर मान लिया। नेक्स्ट है बच्चों, एडिशन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी जो थॉमस एडिशन थे उनका जन्म कब हुआ था? एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिशन ने किया था, जिनका पूरा नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिशन। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपको बच्चों क्वेश्चन आंसर लिखने भी हैं और इन्हें लर्न भी करना है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।